हाँ भाई, क्या चल रहा? देखो मैं भूल के तो चला गया था आज मैं सेंस में आऊंगा, आलस में नहीं आऊंगा, बट आलस मेरा पीछा छोड़ दे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं आई गॉड, मैं मजाक नहीं कर रहा, रियल स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं अपने आलस की। तो मैंने सेटअप किया और सेटअप करके अपने आप को मूड में लाने के लिए मैं गाना गाया कि प्यार हमें किस मूड में ले आया। मेरी बिजली को पसंद नहीं आया, अबे इलेक्ट्रिसिटी भाभी नहीं तुम्हारी, बिजली को पसंद नहीं आया। मैं जैसे शुरू करना था आज चुनाव लाइट चली गई, अब लाइट चली गई, मैं कहा चलो पेट पूजा कर लेते, अब पूजा करूंगा मैं तो हो गया ना पूजा, फिर हो गया शुरू। मैं खा लिया और जैसे खा के वापस रूम में, कि चलो अब लाइट नहीं आ रही, छुट्टी मारते आराम से लाफ्टर शेफ देखेंगे। मैं जैसे मैंने कैमरा निकाल के रखा बिस्तर पे, वैसे ही लाइट आ गई, कहता अब काम कर। मैं ये क्या धोखेबाजी है, बिजली पलट के बोल दी खा ले तू कौवे, मैं गोरा हूँ चल रहे बिजली नाम रख लिया तो ज्यादा ही कूद रही है। इसके अलावा इंटरनेट पे क्या हुआ है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें है, मतलब लेजिट खिचड़ी बनी हुई है और मैं दो वीडियो इसमें निकालना नहीं चाह रहा हूँ। तो आज एक ही वीडियो आएगी, अभिषेक आनंद पर नहीं आने वाली, आज नहीं आ पाएगी सच में। पहले तो देखो कल एमी वेंटाइल को पता चला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और मैं एडिटिंग करने गया है, तो वैसे इंस्टाग्राम पे लाइव आ गया। लाइव आया कल इतने दिनों बाद, बड़े दिनों के बाद। वो आर्टिस्ट के कुछ मेलेडी को लेके बनाया, पता नहीं क्या सीन, टीम ने उससे बीट खरीदा बट लेकिन उसका सीन हुआ, बट यस सॉर्ट हो चुका है। हम लोग ने क्या किया कि मीमैक्स ने न्यू सैंपल और बीट को वापस से रिप्रोड्यूस करके, पता नहीं क्या सीन हुआ है, किसने किसको धोखा दिया है, बट वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है जहां तक मेरे को समझ में आया है अभी तक। बट भाई ने जैसा बताया, मीमैक्स ने म्यूजिक प्रोड्यूस कर दी है और गाना आ चुका है। मैं कहा ये ज्यादा बेटर लग रहा है, पहले वाले से ज्यादा बेटर मुझे ये लगा है बे, मतलब दिल में अटक गया, तुमने ज्यादा बेटर किसको लगा है, ये वाला वर्जन और किसको पुराना वाला वर्जन। लिरिक्स तो सेम ही है बट जो लिरिक्स है और जिस वे से फ्लो रखा था उससे तो ज्यादा म्यूजिक ये वाली सेट कर रही है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। इसके अलावा वनडाई से रिलेटेड क्या कुछ नहीं है, मतलब एक मेरे को पोस्ट मिला वो मेरे को फनी लगा टेक्निकली, मतलब काइंड ऑफ मैं ऐसे ही ब्राउज कर रहा था तो मुझे आया एक पोस्ट ये वाला कि कल शाम 6 बजे झकास म्यूजिक वीडियो। मैं एक्साइटेड हो गया कल शाम, फिर मैंने कैप्शन पढ़ा उसमें जो भाई ने पोस्ट किया था कि आज 1 साल हो गया वो कल शाम नहीं आई। मैंने क्या सीन है इस गाने का, ये रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किसी को मालूम है क्या? मैं झकास झकास कर रहा हूँ, अनिल कपूर इतना फेमस हो गया झकास, ये कल शाम बोल के 1 साल निकाल दिए, लगता है मेरी बंदी के ऊपर गाना था। कल बात करते हैं, आ ही नहीं रही, पाप लगे सालियों को, पाप ही साला गाली दे दी, पता नहीं किसी का कॉल ही आ जाए, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और भाई साहब तुम्हें पता है सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है, अब मेरे को मालूम था इस बारे में क्योंकि कल ही पता चला मुझे बोहिमे पाजी का सॉन्ग आ रहा है। अब बड़े दिनों के बोहिमे पाजी सुने हुए, मैं तो वो काली देनाली वाले टाइम पर ही सुना था, उसके बाद 1-2 सॉन्ग ही सुने मैंने, अभी ये सरप्राइजिंग नहीं है। वो गाना आ रहा था, मैं एक्साइटेड हो गया पाजी का गाना आ रहा है, बट फिर पोस्टर था वो, और पोस्टर में उनके साथ थी एक स्पेशल बंदी पूनम पांडे। मेरे अंदर से की निकल के बोला डाउनफॉल फॉर रियल, ये तो बादशाह था बे, अबे ओ चुप खा ले तू कौवे। अरे अभी गाना आया है, गाना तो मुझे ओके लगा है, बट पूनम पांडे के अलावा किसी को भी रख लेते, क्यों उतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। और पूनम पांडे क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा, भोई बाबा जी को लेजेंड स्टेटस तो मिला हुआ है, पूनम पांडे ठीक है, बंदी बेकार नहीं है, स्ट्रांग है, लॉकअप में अच्छी लगी थी मुझे और उसकी कई बातें सही लगती है, बट ये अंडरटेकर क्यों, ये महीर विदानी क्यों, ये नया वाला देसी जॉन स्नो क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और तुम म्यूजिक वीडियो देखोगे ना, ज्यादा कुछ है भी नहीं, किसी से भी करवा लेते, अरे मैं विग पहन के आ जाता पाजी, मैं पता चला जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसको बड़े अच्छे लगते हो, कुछ भी। हाँ इसके अलावा कौन है, इसके अलावा हनी पाजी का सॉन्ग आ रहा है बोनीता 8 तारीख को, ऐसा पाजी ने बोला टी सीरीज पाएगा, ये तो बोला है बोला, बट एक स्टोरी डाली जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। अफेक है ना, अफेक है जो भी है, ये रिएक्शन चैनल है भाई अपना और रिएक्शन बनाते बहुत सही है, जिस वे से वो रिएक्ट करते और एक्सप्लेन करते लिरिक्स को मुझे काफी सही लगा, तो उसके लिए हनी पाजी ने स्टोरी डाली क्या भाई मेरी भी एल्बम ये करना। मैं ये हुई ना बात यूट्यूबर वाली, मतलब समझ लो हनी पाजी शाउट आउट दे रहे हैं, ये रिस्पेक्ट वाली बात है अफेक के लिए, रिस्पेक्ट, लाइक करो बटन को तुम प्यार यार मत करने लगता, अपना अंगूठा दबाओ और कंप्यूटर पे बटन तो माउस दबाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।
और जेन्युइनली ये रिएक्शन देते हो फिर भी ठीक है, बहुत सही है। वरना कल मैं ब्राउज कर रहा था ट्विटर, वहां पे मुझे एक रिएक्शन ही ना पता क्या मिला, मेरी पुरानी आत्मा जो मैं 2018-19 में था। ये सब तो मैं करके छोड़ चुका हूँ, मैं बस फटा नहीं, ये फट गया इसलिए तुम्हें आईसो स्पीड दिखता है, वरना हरकतें तो हमने भी कम थोड़ी करी है। बात तो सही है। इसके अलावा बीवी, मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी बीवी नहीं, भुवन बाम की वो सीरीज आ रही है ना ताजा खबर, जिसमें मेरा नुकसान होने वाला है। अरे हॉटस्टार पे आएगी ना 27 तारीख को और मेरा हॉटस्टार बंद हो गया, तो ताजा खबर का ट्रेलर आ गया है। और भाई साहब क्या ट्रेलर है, मजाक निकल रहा, ट्रेलर देख के मजा आया। मैं भी रिएक्शन चैनल खोल दूं क्या, तुम बोलो मैं खोल दूंगा, मेरे पास 2-3 चैनल एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अभिषेक आनंद 2.0 पड़ा हुआ है, उस पर रिएक्शन कर दूंगा मैं। हाँ बट ट्रेलर आ गया और भाई साहब बंदे क्या पिक करते हैं, कास्टिंग कौन कर रहा है ताजा खबर की, मेरे को जेन्युइनली जानना है। अबे जावेद जाफरी महेश मांजरेकर और 2-3 बंदे और हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम, बट देख के लगा भाई कास्टिंग बहुत सही गई। मतलब पहले तो शिल्पा शुक्ला रखा था इन्होंने, मैं उसको देख के ताज्जुब में था, महेश मांजरेकर को देख के ताज्जुब में था भाई साहब। भाई ट्रेलर एक नंबर, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे कि खबर तो आ गई थी मरने की, जिन्होंने देखा नहीं स्पॉइलर हो गया तुम्हारा, अबे आदत है मजबूर मैं। हाँ तो सीजन 1 में ये था कि मरने वाला है, अभी मरने से बचेगा कैसे, और बचेगा तो फिर ये ताज़ा खबर बंद क्यों हो जाएगी, उसको अपडेट देना बंद क्यों हो जाएगा, और बंद भी हो गया तो जो धांधलेबाजी करके जो पैसा बनाया था वो एकदम से ख़त्म क्यों हो गया, ख़त्म कैसे हुआ। और चलो धांधलेबाजी करके जावेद जाफरी का पैसा डुबा दिया होगा, अभी 2 सप्ताह में 500 करोड़ कैसे लाएगा कोई भी बंदा, गोली मार खत्म करना, 3 एपिसोड में खत्म हो जाएगा शो। नो डाउट मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैं 1 एपिसोड में खत्म कर दूंगा शो। कितना एपिसोड है सीजन में, मैं कहा 1। अबे मजाक कर रहा हूँ, घटिया है बट आई नो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो अभी 27 तारीख को आएगा तब पता चलेंगे मेरे सारे सवालों के आंसर, तो अगर तुमने नहीं देखा देख लेना। बाकी तो आज तो खबर ये भी आई भाई साहब, पहले खबर आ रही थी कि रहना है तेरे दिल में, तेरे दिल में नहीं काले कौए के दिल में रहना मुझे। वो रहना तेरे दिल में मूवी जो है आर माधवन और क्या नाम था दिया मिर्जा, मैं डेजी शाह याद आ रहा था मुझे, दिया मिर्जा की जो मूवी थी वो थिएटर में रिलीज करी इन्होंने, और पुणे का आर माधवन ने शेयर किया था स्क्रीनशॉट, भाई साहब हाउसफुल जा रहा, हाउसफुल समझ रहे हो, 20-23 साल बाद मूवी री रिलीज हो रही है और लोग जा रहे एक्साइटेड है। मूवी भी तो वैसी है ना, टाइम लगा लोगों तक पहुँचने के लिए, वरना मेरे भाई बहन सबको पसंद है बहुत ज़्यादा मूवी, मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है। सच कह रहा है दीवाना, हाँ सुनता मैं भर भर के हूँ बट आदत से मैं बोलूँ पड़ जाता हूँ फिर किसी ना किसी के पीछे। अभी तो इतने सालों बाद सोच रहा हूँ मैं कि चलो शांति से सिंगल बैठो, अभी थोड़े दिन क्या कई सालों हो गए, साल नहीं महीने हो गए, इस सूखी जमीन पे बारिश की बूंद नहीं पड़ी ठाकुर साहब, लीव अ लाइक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे लाइक कर दो वरना तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा अरमान मलिक की तरह। यार ये बंदे मेरे को बहुत से लगते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, मतलब मेरे अंदर भी है ओवर कॉन्फिडेंस बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं है। इसने शो में विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था अरमान मलिक ने अननेसेसरी बात पे, मेरी बीवी जाके चुम्मा चाटी कर लेगी वो चलेगा मेरे को, बट देख के तारीफ नहीं कर सकता कोई, भाग्यशाली भैया सही बात है। थ्रीसम कौन बोला, कोई बोला क्या, आवाज आई तुम्हें नहीं, चल ठीक है। अभी उसका मैं एक रील देख रहा था जहाँ पे उन्होंने हेलो रिक्रिएट किया है, पता नहीं म्यूजिक वीडियो का लग रहा है। एक बात बताओ मुझे, आपने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा था? उसको? हाँ जी। तुम्हें पता ना मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओए होए भाई देख रहा है, बाबी क्या माल लग रही है, दिल आ गया इन पे तो। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो ये बोला था बाबी कितनी सुंदर लग रही है। पता ऐसी हरकतें देखता हूँ ना मेरे को बड़ा नीच फील आता है अपने अंदर, क्योंकि फिर मैं मेरा दिल से चाहता थी कि कोई कुत्ता बनाएगा मारे साले को। ये बुली टाइप की हरकतें होती है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक बुलीज, ये तो खुद साला सांड है, क्या बोलूं मैं, पता नहीं गुस्सा हो जाए रजत भाई को लेके आ जाएगा मेरे पीछे। पता है तुम्हें दिल से बात दो, फेमस ना होने के ना बहुत फायदे होते हैं, तुम किसी को कुछ भी बोल दो निकल जाओ कोई नहीं देखने आ रहा, बट गलती से बाद में फेमस हो गए ना तब ये सारी क्लिपिंग निकलेगी मेरी, ये देख देख क्या बोला था तेरे बारे में। अरे भाई मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं आलस में आ जाऊँ फिर मैं और ज़्यादा बोलता हूँ, इग्नोर मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो तुम आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ इसके अलावा क्या, इसके अलावा बादशाह और समय रैना का वो था ना वो इंडिया गॉट लेटेंट, हाँ टैलेंट वाला तो चला नहीं पाया शो, तो लेटेंट वो डुबाने के लिए बादशाह वहाँ पर भी जा रहा है, तो अभी उसकी एक क्लिपिंग है जहाँ पे
पता नहीं लोग कह रहे यो यो करके गुस्सा हो गया। अरे गुस्सा क्या हो गया, टाइम पास था। मैं तो एक्साइटेड हूँ आज के लिए, आज 9:30 बजे तक, तुम जब देख रहे हो तब तक लेट हो गया, बट अभी टाइम है। आज 9:30 बजे प्रखर के प्रवचन पे बादशाह आ रहा है इंटरव्यू देने। नाका बादशाह नहीं आ रहा, ड्रामा चलते हुए आ रहा मेरे भाई। हाँ मेरी जान, माय गॉड, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट जो भी है, आई होप लल्लन टॉप के बाद रिकॉर्ड हुआ हो। लल्लन टॉप के बाद हुआ होगा तब तो ये ड्रामा ही है। और टेंशन नहीं, अगर इसमें ड्रामा नहीं निकला, अगर इसमें ड्रामा नहीं निकला ना, तो लल्लन टॉप ने अनाउंस कर दिया है कि वो बादशाह को भी लेके आ रहे हैं। मैं क्या ड्रामा, यही तो चाहिए बीसी। हाँ तो बस आज के लिए इतना कॉफी है। कॉफी पियो, चाय पियो, नींबू पानी पियो, अपने को क्या। मैं तो खा चुका हूँ, लाफ्टर शेफ देख रहा हूँ। लाफ्टर शेफ के मैं 15वें एपिसोड पे पहुँच चुका हूँ, 11 एपिसोड बाकी हैं। ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊँगा, वीकेंड में बैठे रहो देखने के लिए। भाई जो नहीं देख रहा ना लाफ्टर शेफ, देखो भाई देखो, मस्त मज़ेदार है भाई, मज़ा आ रहा है। बस अभी मैं और ही वाले एपिसोड में सोच रहा हूँ बैठ के, क्यों ऐसी क्या मजबूरी है, अभी और ही है क्या, टैलेंट है उस बंदे में, उसके बाप का बैंक बैलेंस। साला अगर और ही फेमस है तो तुम भी फेमस हो मेरे लिए, तुम भी जाओ शोज में। अबे ये तुम्हें लग रहा है या अटक रहा है, क्योंकि अगर लग रहा है तो फिर मुझे बताना क्या इशू है। अगर इशू है किसी चीज का तो बता देना, मैं सॉल्व कर लूंगा, वरना मुझे लग रहा है कि ये स्लो चल रहा है। हाँ मैं ऐसी बात करूंगा, बाकी मनोवर से रिलेटेड है वो यहाँ पे करके फायदा नहीं, वो अभिषेक आनंद भी करेंगे कल से। हाँ तो मैं कल मिलता हूँ, लाइक किया नहीं। Peace out. Kale tu kawe.